हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस एंड जी एक्स बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। प्रूव दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। पहला की कॉन्सेप्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें बोला जा रहा है कि फंक्शन एफ एक्स एक कंटिन्यूअस होता है एट अ पॉइंट एक्स दैट इज इक्वल टू सी। सो इफ द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इक्वल्स एफ सी, तो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। दूसरा पॉइंट होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। So, a function gx is discontinuous at a point x is equal to c. So, if limit x approaches c, gx does not equal gc, or if the limit does not exist, then हमारा third concept है sum of function. So, बोला जा रहा है कि sum of two functions जो कि है fx added to gx inherits the continuity or discontinuity based on the individual functions. तो अब हम प्रूफ करते हैं। सो लेट एफ एक्स बी अ डिस सॉरी लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड जी एक्स बी दी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन एंड जी एक्स बी दी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हम कंसिडर करेंगे फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एडेड टू जी एक्स। सो हमें प्रूफ करना है कि एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस तो वी मस्ट शो दैट एच एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। सो हमारा पहला स्टेप होगा कंटिन्यूटी और एफ एक्स। सो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ सी। नाउ सेकेंड स्टेप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स। सो सिंस जी एक्स हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी, सो वो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जी सी, और द लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा सम ऑफ फंक्शंस ऑफ एच एक्स। सो हम कंसिडर करेंगे लिमिट ऑफ एच एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स एडेड टू जी एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी ब्रैकेट ओपन एफ एक्स एडेड टू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स एडेड टू लिमिट जी एक्स x approaches c. So since limit x approaches c h x is equal to f c added to limit x approaches c g x. So but limit बोल रहा है कि x approaches c g x does not exist or is not equal to g s. So therefore हमें क्या पता चलता है कि limit x approaches c h x will not equal h c, जो कि imply हो रहा है limit x approaches c h x which is not equal to h c. so अब हमें इससे क्या पता चलता है कि this condition for h x to be discontinuous
एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सो दस द फंक्शन एफ एक्स एडेड टू जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एज इट इनहेरिट्स द discontinuity from gx। तो ये proved हो गया। So hope you understood। Best of luck।